बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल ब्लू ब्लडेड में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब की आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है ब्लू ब्लडेड। चैनल पर जो है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल बात किया करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर जो कि बिहाइंड द कैमरा है, हम दोनों आपके कमेंट जरूर रीड करेंगे और कमेंट्स रिप्लाई भी देंगे। थैंक यू। हमारा दूसरा चैनल है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, वहाँ पर भी विजिट करें। इंशाल्लाह ताला आपको वीडियोज बहुत अच्छी लगेंगी और उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो देखिए फ्रेंड, ब्लू ब्लड नया चैनल, नया दिन, नई वीडियो में आज हम कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज फिर हम लाए हैं इवनिंग टू डिनर टाइम, ठीक है। शाम को बाड़ी से ताज़ा ताज़ा दूध आया हुआ है, दूध निकालते हैं, अच्छी सी चाय बनाते हैं और साथ में डिनर बनाएंगे। ये देखें जून जुलाई में, देखें मई जून में कितनी अच्छी मूलियाँ आई हुई हैं। ये मूलियाँ वाले साहब यहाँ हमारी फ्री है ना, मेट्रो स्टोर है, सुपर स्टोर है बहुत बड़ा, तो उधर से लाए हुए। मूली बहुत महंगी है आजकल, मिल रही है पर महंगी है बहुत ज्यादा, है ना। 1100 रुपए किलो है जी। जी बिल्कुल। तो ये वाले साहब मेट्रो से लाए हुए, ठीक है। तो सिस्टर ने ये तकरीबन 3-4 मूलियां थी ना, तो वो भी पका दी हैं, पहले से पका के रख ली हैं। ये भी इंशाल्लाह डिनर के साथ हम सर्व करेंगे। देखें आजकल, देखें फार्मी सब्जी आ रही है, मूलियां बहुत अच्छी मिल रही है। इतनी तेज गर्मी है मई जून में, मूलियां मिल रही है, फूल गोभी बहुत अच्छी मिल रही है, मटर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, महंगी है पर अच्छे मिल रहे हैं ना जी। बिल्कुल। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में, एक तो हम मूलियां सिस्टर ने बना के रखी हुई है मूलियों की सब्जी, दूसरा बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये फ्रोजन चिकन लिया है, जो कि तीन चिकन है, ठीक है। दो के सिस्टर पैकेट्स बना के रखती हैं, तीन चिकन है और ये कुकिंग ऑयल है, ठीक है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। ये चला गया कुकिंग ऑयल। और सिस्टर प्यारी ने चिकन बनाने के लिए लहसुन छीलकर चॉप करके रखी है, प्याज छीलकर चॉप करके रखी है, अदरक रखी है, टमाटर रखे हैं और ये चिकन है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए मैंने ऑयल डाल ली है और इसमें चला जाएगा लहसुन। लहसुन एक बड़ी लहसुन थी और दो प्याज थे, ठीक है। ये लहसुन चला गया और ये डेढ़ प्याज चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसे लहसुन और प्याज को हमें कुक करना है, ठीक है। चिकन कढ़ाई बना रहे हैं जबरदस्त सी वाली, और वहां पे आया हुआ है दूध, दूध निकाल लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अभी चाय ठहर कर बनाएंगे, ये वैसे मैंने पानी रखा है ताकि उबाल के हांडी में डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चाय में अभी थोड़ा टाइम है, जब सब फ्री हो जाएगी फिर गर्मा गर्म चाय बनाएंगे, ठीक है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो इस्लामाबाद में भी जो है ना शदीद गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है ना जी। बिल्कुल भाई। फिर ये बर्तन गरम पानी से सिस्टर धोती है। यस बिल्कुल। ये देखिए इधर कढ़ाई के लिए लहसुन और प्याज भी कुक हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ी आंच कम करता हूँ और इधर धो लेता हूँ मैं दूध का डब्बा। बोतल मैंने संभाली थी और ऐसे पानी भर के रखना है,
तो देखिए फ्रेंड्स, मई आ चुका है और मई में है शदीद गर्मी इस्लामाबाद में, है ना। बिल्कुल भाई। और मई में देखे मूलियां बहुत अच्छी मिल रही है, फूलगोभी बहुत अच्छी मिल रही है। मई जून में देखे कितनी अच्छी सब्जी मिल रही है ना। यस यस, सर्दियों की सब्जी। मूली बहुत महंगी है पर वाली साहब की बहुत फेवरेट है ना। यस। तो वो लाए एक सिस्टर को स्पेशली, कहा कि आप बना के रखना, तो सिस्टर ने बना दी, वो पहले बना दी है ना। देखिए फ्रेंड, लहसुन प्याज दिखाओ, करीब आ जाओ बेटी। ये देखें लहसुन और प्याज जो हल्की आंच पे फ्राई हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूध तो हमने निकाल लिया है, इनको इधर रखते हैं अभी, क्योंकि अभी चाय में दे रहे हैं थोड़ा सा टाइम है। अब हम अदरक कूट लेते हैं, ये हमारी अदरक। बिल्ली ने चला के मारी है वो तो उसके कुट रहा था, बड़ा बिल्ला। देखो मानो को भी घर पता है, पीछे से आ जाना। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेश फ्रेश अदरक कूट लिया और क्या खुशबू आई है। जी बिल्कुल, जान हरी मिर्चें भी ले आते हैं। अच्छा भैया ये दिखाओ, मैं जाती हूँ। अदरक, अदरक देखिए, खूब अदरक डाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और अदरक को थोड़ा सा कुक करेंगे, ठीक है। यस। ये सिस्टर लेकर आती हैं हरी मिर्चें, ले आओ। ठीक है भाई। देखिए फ्रेंड्स, अदरक को कुक हो रही है हल्की हल्की आंच पे। यस। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, सही है जी। और क्यारी हरी मिर्च ले गई जी, ये वाली हरी मिर्च ना तेज है, ठीक है। इसलिए बस दो तीन ही डालेंगे, पर मसाले में हरी मिर्च डालो ना, बड़ा मजा आता है, चटपटा मसाला होता है। यस यस। इस तरह से हरी मिर्चों को भी चॉप कर लेंगे, चॉप चॉप कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से, सही है। ये बाकी हरी मिर्चें हम सब डाल देंगे, ये भी हरी मिर्च, सही हो गया। इनको भी हमें फ्राई कर लेना थोड़ी देर, रोस्ट करना मसाले के ऊपर, सही है। और ये प्यारी सिस्टर ना, ये मूली की सब्जी जो है, ये सिस्टर से ना फ्रिज में रखवाते हैं, क्योंकि ना गर्मी बहुत है, ये खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए। बिल्कुल, जाओ जाओ ये फ्रिज में रखो। ठीक है, ठीक है भाई। उससे पहले मसाला डाल दो। ठीक ठीक है। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई, है ना जी भाई। बिल्कुल, चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। चिकन कढ़ाई जिस पर, ये देखिए रेड चिली, ये गई इसमें हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये चला गया इसमें सॉल्ट, सॉल्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें चला जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले ना। इसमें ये है गरम मसाला होममेड, ठीक है। इसमें चला जाएगा जीरा, जीरा पाउडर, ये भी घर का पिसा हुआ है हमारा, है ना। यस। और ये मोटी कुटी हुई मिर्च, ठीक है, जरा से, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें चला जाएगा, हटो जरा देखना खुश्क होगा, यहाँ से ले लेंगे ब्लैक पेपर, है ना। यस, ये है काली मिर्च, इसका टेस्ट ना कढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। yes. ये सब चीजें चलेगी। और वो ले आओ ना सूखा धनिया थोड़ा सा। ड्राई मसाले हम भून रहे हैं हल्का हल्का पानी डाल के, ठीक है जी। अब ये देखें, ये वाले सब लाए हैं इस्लामाबाद मेट्रो स्टोर से कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। ये सूखे धनिए का पाउडर लाए हैं, ठीक है जी।
सिस्टर ने कहा था थोड़ा दूर हो जाओ, वो मैं दिखा रही हूँ। ये हम डाल लेंगे अपनी किसी बर्नी में, ये भी माशाल्लाह कितनी प्यारी मिली है ना। अब हमारे पास ये वाली लिप्टन वाली बहुत खाली डब्बी, बहुत खाली हो गई है वाली, सब और भी लाए हैं लिप्टन में, तो फिर बनाते जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सूखो धनिया, यस है ना, ये ना गोश्त में जरूर जाता है थोड़ा सा, इससे टेस्ट गोश्त का बहुत इनहेंस्ड हो जाता है। ये मेट्रो का पिसा पिसाया, जी भाई नहीं करनी है ना, थोड़ा सा सूखे धनिया को भी भून लेंगे, ठीक है। मैं समझ रहा था पीसना पड़ेगा, पिसा हुआ है ना जी, साबुत भी लाए दोनों लाए। आप इसमें चले जाएंगे ये टमाटोज मेट्रो के टमाटर बहुत अच्छे होते हैं, जूसी और रेड रेड। चिल्ली भी डाल लेते हैं क्योंकि सूखी सूखी सी आज बनेगी, बहुत सूखी नहीं होगी, थोड़ा सी सोरबा होगा, ठीक है। ये चलेगी इसमें टमाटर, ठीक है। आप इसको क्या करना है ना, धनिया इसमें डालना है गर्म पानी, हमेशा आंडी पकती की आंडी में गर्म पानी डाला जाता है, ठीक है। और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे, जबरदस्त सा साला रेडी कर दिया, सही है। चलो मिलते हैं अच्छे से टमाटर गलने के बाद। इधर देखिए मूली की सब्जी भी पड़ी हुई है हमारी, और चाय का पानी आप चढ़ा लेते हैं ना। यस ये गया हमारा चाय का पानी चूल्हे पे, और इसमें चली जाएगी Yes. तीन बहुत होते जी, बिल्कुल तीन बहुत होते हैं। और इसमें चली जाएगी सब्ज इलायची, सब्ज इलायची तो का माशाल्लाह दो सब्ज इलायची। चलो जी मिलते हैं टमाटर गलने के बाद, और बाबा पड़ जाए फिर उस पर दूध डालेंगे। देखिए फ्रेंड टमाटर इधर जो है हमारे गल रहे हैं, देखिए हल्की आंच से रखे, हमेशा टमाटर हल्की आंच पे गलते हैं, ठीक है जी भाई। कावा उधर अच्छे से काट चुका है, कावे में डाल लेंगे दूध, दूध बिस्मिल्लाह। अब चाय को अच्छे से फेंट लेंगे, ठीक है। और ये देखें ये पापड़ आजकल रोज आ रहे हैं, और रोज ही सिस्टर भर के जो है ना थाल जो है बनाती है ना, परात भर के बनाती है, बिल्कुल बिल्कुल। ये पापड़ ये हमारी फेवरेट है, बहुत फेवरेट। इसमें ना चाट मसाला डाल लेना, मतलब या अमचूर पाउडर डाल लेना, यस स्नैक्स है ना स्नैक्स। Thank you.
चाय को उबाल आ गया था, तीन उबाल दिला के हल्की आंच पे कटने के लिए रखी है। इधर मसाला भी रेडी हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, ये देखें, और टमाटर भी अच्छे से ये देखें गल गए। अब इसमें क्या करना है ना, हमारा चिकन फ्रोजन है, ठीक है, अगर ये चिकन फ्रेश होता ना तो इसको भून लेते थे, ठीक है जी भाई। अब इसको डालेंगे बीच में इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, ठीक है, तो फिर हम इसको बुनाई करते जाएंगे। डी फ्रॉस्ट चीज़ों का ना आस्ता आस्ता ढक्कन दे के बुनाई करते हैं, खुलता भी जाता है, नरम भी होता जाता है और बुनाई भी हो जाता है। फिर इसके बाद हम जी बोलो बोलो मिलकर बुनाई करके फिर आलू डालेंगे, और फिर जितना हमें शोरबा चाहिए होगा, चिकन भी गल जाएगी और शोरबा भी जितना थोड़ा सा रह जाएगा। हम बिल्कुल देखिए फ्रेंड सिस्टर ने कितना अच्छा बनाया है, फ्रोजन चिकन है तो इसको भूनना ज़रूरी है। तो इसको हम पानी डाल के दरमियानी आंच पे रखेंगे, ये खुलेगा, ठीक है, फिर इसे खोलते जाएंगे और भूनना चिकन को बेहद ज़रूरी होता है। नहीं भूनेंगे ना, बेशक चावल पका रहे हैं, कढ़ाई पका रहे हैं, फिर वो हीक सी आती है, हमसे तो नहीं खाया जाता। इसको भूनेंगे, फिर आलू डालेंगे, आलू भून के फिर जितना पानी डालना वो डाल देंगे। फ्रेंड दूध भी बॉयल हो चुका है, चाय बन चुकी है, और इधर चिकन देखे तकरीबन खुल चुका है, इसको लाते रहे हैं और खोलते रहे, फ्रोजन चिकन था ना, है ना, यस। और ये देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाय भी हमारी रेडीमेडी होती है, शाम की मजेदार सी चाय और साथ में बिस्किट्स, ठीक है जी भाई, ग्लूकोज, ये पीक फ्रेंड्स है ना, यस, ग्लूकोज बिस्किट, बहुत से बिस्किट्स हैं, सुपर भी है, सुपर चॉकलेट वाला भी है, और इसके अलावा लेमन सैंडविच, पीनट पिक भी है, बिस्किट बहुत सारे आए हुए हैं, पर आज कल हम जो है ना ग्लूको बिस्किट खा रहे हैं। ग्लूको बिस्किट बहुत मज़े के हैं, ये 8 का होता है ना, हाफ रोल, यस, यानी कि 8 हाफ रोल इसमें मौजूद होते हैं, मौजूद। ये होगी हमारी चाय, यस, और दूध काट चुका है, ये देखिए और दूसरा दूध हम चढ़ा देंगे, रख देंगे ताकि ये भी बातों बातों में बॉयल हो जाए, सही है, यस। यहाँ से ले लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले प्यारे वाले साहब के दूध पे चाय पे मिलाई, फिर प्यारी वालदा साहब की चाय पे मिलाई, मिलाई, फिर मेरा प्यारा भाई जुनेद की चाय पे मिलाई, मिलाई, फिर आ जाती है मेरी सबसे प्यारी और फेवरेट मेरी दोस्त मिलाई, प्यारी सिस्टर हमारी कैमरामैन, प्यारी सिस्टर की चाय पे मिलाई, फिर आ जाती है हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारे साथ आए, सब चाय इंजॉय करें, चाय बिस्किट, शाम की मज़ेदार सी चाय, ठीक है जी। और ये प्यारी काशी भाई की चाय पे मिलाई, चाय डन होगी, चाय पीते हैं अच्छी सी, साथ में आज चाय के बिस्किट, बिस्किट्स हटो, ये वाले सबको एक एक रोल मिलेगा बिस्किट्स का, ठीक है, ठीक है, ये वाले ग्लूको बिस्किट, ऐसे सबकी एक एक प्लेट में जाएगी, ठीक है। और दूसरा दूध भी काट रहा है, और मैं आपको चिकन की सूरत हाल भी दिखा जाता हूँ, और सिस्टर प्यारी ने आलू मुझे पील करके धो के रख दिए, ठीक है, ये दिखाओ चिकन, चिकन भी बस चीख मार रहा है कि भाई मैं भी डन बना डन हो रहा है ना, अब इसके बुनाई कर रही है, और बुनाई करते हुए ना छींटे बिंटे उड़ के दूध पे हम ये देखिए, अब चिकन को दबा के भूनना है, ठीक है, अच्छी तरह भूनना है, भून के फिर इसमें ये आलू डाल देंगे। प्यारी सिस्टर ने आलू धो के रखे थे जी भाई, बिल्कुल धो के रखे, ये सिस्टर ने आलू पील करके धो के रखे हैं, ये मिल जाएंगे, ठीक है, आप चाय दो सबको, ठीक है,
देखिए मनाई हो रही है ना मैं चिकन बोल तो थे ठीक है जी। अब इसमें आलू डाल के बोल दूँ लिखो लिखाओ कढ़ाई में आलू इस तरह डालते हैं चलो देखिए चिकन भून चुका है अच्छे से। अब इसमें आलू डाल के थोड़ी देर भूनेंगे आलू जी। आलू को भी थोड़ी देर भूनना है ठीक है। आलू में भी कच्ची ही होती है। चलो मैं भून लूँ फिर मिलते हैं। वहाँ पे दूध भी उबल रहा है। हाँ ऐसे लोग देखें आलू भी भून ली है बस बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है कि इसका फ्लेवर सी निकल है ना। यस आज दूध भी उबलने लगा। चिकन अच्छे से गलानी है ठीक है। कच्ची नहीं होनी चाहिए चिकन। और हमारा दूध भी उबल गया माशाल्लाह। चलो इधर चिकन भी चला जाएगा गलने के लिए और उधर दूध भी उबल गया है। उबल गया है ना। फिर जब बाद फ्रिज में चले जाएंगे ठंडे होंगे ना। चलो मिलते हैं टी ब्रेक के बाद चाय और बिस्किट्स। अंडे बॉईल करने लगे और सालन भी तकरीबन हमारा डन हो गया। यानी कि कितने बड़े बड़े प्यारे अंडे माशाल्लाह। जी अच्छा ठीक है। ये दिखाओ कढ़ाई बन गई। अच्छा देखिए कढ़ाई भी डाल होगी तो कोई ड्रामा सब इतना शोरबा रखे रखो कि थोड़ा स्ट्रांग नहीं नहीं रखने रखने वाला है जी बिल्कुल और शोरबा रखेंगे थोड़ा और स्ट्रांग नहीं नहीं बहुत है भाई। चलो डालो